नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विदिशा, प्रदेश सरकार के प्रयासों के चलते विदिशा जिले के दर्जनों बच्चे जो कोटा राजस्थान में रहकर पढ़ाई कर रहे थे, लॉकडाउन के कारण फंसे हुए थे। शासन के प्रयास के बाद 32 बच्चों को विदिशा जिले में आज वापस लाया गया। बस के साथ पुलिसकर्मियों को सुरक्षा के लिए तैनात किया गया। वहीं कई जगह पर बस को सैनिटाइज भी किया गया। विदिशा जिले में प्रवेश के साथ ही सिरोंज, महलुआ चौराहा, अंबानगर चौराहा, नया गोला पर बच्चों को उतारा गया और हर जगह बस को सैनिटाइज किया गया। विदिशा तक कुल 13 बच्चे उतरे, उनमें से कुछ बच्चों को सैनिटाइज करने के बाद ग्यारसपुर रवाना किया गया। विदिशा पहुंचे बच्चों को देखकर उनके माँ बाप खुशी मना रहे थे, तो वहीं बच्चे भी पिछले 2 महीनों से लॉकडाउन के कारण परेशान हो गए थे। पालक और बच्चों ने प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया। फिलहाल इन सभी बच्चों के 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा, उसके बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। योगेंद्र सिंह परमार, सब इंस्पेक्टर जी। कहाँ गए थे आप? क्या लोग विदिशा से ग्वालियर गए थे, ग्वालियर से बस लेकर के कोटा बच्चों को लेने गए थे और वहाँ से कल से कोटा से चले बच्चों को लेकर के, और रास्ते में टूटते हुए ला करके आज यहाँ आए हुए। रास्ते में कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं? रास्ते में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं आई। सर, कितने विद्यार्थी लाए गए कोटा से विदिशा? कुल 32 लोग थे जी। कहाँ कहाँ उतारे गए? ये सरोज, महलुआ चौराहा और तुम्हारा अम्बानगर और तुम्हारा नया गोला और बाद में 13 बच्चे इधर। कहाँ से आओ और क्या पूरा क्या? जैसा कि आप सभी को पहले से भी परिचित है कि कोटा में मध्य प्रदेश के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, तो मेडिकल और इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, ये तो मध्य प्रदेश शासन ने इनको अपने प्रदेश में वापस लाने के लिए प्रयास किया था। सब बसें भेजी थी जिलों को, तो ये देख रहे होंगे हमारे तो जिले कोटा में। तो सर कोटा कहाँ? उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है? कोटा राजस्थान में है। अच्छा जी। तो ये 31 बच्चे हमारे ज़िले के थे, इसमें सिरोंज के बच्चे थे, बसोदा के, नटेरा, शमशाबाद के, लटेरी के। तो एक बस भेजी गई थी, ग्वालियर से बस गई थी, वहाँ से बच्चों को कोटा से लेके आई है। तो सब लटेरी वाले बच्चों को सब सिरोंज को उतारते हुए यहाँ पर आई है। यहाँ पर देखा होगा आपने 14 बच्चे यहाँ विदिशा के हैं शहर के, तो इनकी स्क्रीनिंग हो गई है, डॉक्टर लगातार स्क्रीनिंग कर रहे हैं। इनको 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है, तो ये 28 दिन होम क्वारंटाइन भी रहेंगे। इसके बाद जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ये रहेंगे। सर एक और बड़ा सवाल, कोटा में जो बच्चे हमारे पढ़ने गए थे और काफ़ी हमारे पूरे शहर के लोग चिंतित थे, सारा प्रशासन चिंतित था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बच्चों को कोटा से आज यहाँ विदिशा भिजवाया है। मैं सभी अभिभावकों की ओर से और विदिशा शहर की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वास्तव में उन्होंने जिस संवेदनशीलता का परिचय दिया है, आज हमारे विदिशा शहर के वो परिवार जो अपने बच्चों को लेकर, जिगर के टुकड़ों को लेकर जो चिंतित थे और जो भय व्याप्त था उनके परिवार, परिजनों के अलावा उनके संबंधित सभी परिवारों में, आज वो दूर हुआ है। मैं सभी बच्चों का वो स्वागत करता हूं और इन बच्चों का सारा मेडिकल चेकअप करने के बाद इनको अपने परिवारों में सबको भेजा जाएगा। तो नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, बस में एकदम सोशल आइसोलेशन से दूर दूर बैठे थे और अच्छे से हो गया। तो आपको यहाँ तक लाने वाला कौन है जी, बता? हमको यहाँ तक लाने वाले गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट ने बहुत हेल्प की है, वहाँ से एलएन ने भी बहुत हेल्प की थी, शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत हेल्प की है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि हमको वहाँ से यहाँ तक लेके आए सेफली। मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के जो मजदूर यहाँ पर रह रहे थे, तो उनके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं। उनके लिए जो मजदूर बहुत समय से यहाँ पर फंसे हुए थे, तो उनके आवेदन पे जैसे हमें जानकारी मिलती है, वो लोग स्वेच्छा से जाना चाहते हैं, तो हम बिल्कुल परमिशन दे रहे हैं। कल डॉक्टर साहब का फोन आया था, वो मैंने कम से कम 12 लोगों को भिजवाया था सर बाहर, लेकिन आपको मैंने जब फोन लगवाया था डॉक्टर साहब, तो आपने मना कर दिया कि शासन की ऐसी कोई योजना नहीं है। सर कब की बात है? कल की बात है सर। नहीं, मेरे पास, मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास जितने भी आवेदन आए हैं, हो सकता है वो आवेदन नहीं, फोन पे बात होती है, मैंने हाईवे से फोन लगवाया था आपको। तो फोन आवेदन करो, मैं विचार करूंगा उस पर, विचार करने के उपरांत उनको दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। मेरे पास जो भी आवेदन आ रहा है हम विचार करते हैं, और अगर लगता है जैसे वो रोड रेड जोन में नहीं है वो जिले, तो हम भेज देते हैं कोई। खबर समय जगत के लिए जिला विदिशा से पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।